Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I am Hema Chaudhary, and I welcome you all to the current affairs series by our channel called Pratham Test. In today's video, in today's session, we will be doing the Mega Menti Quiz for the month of April 2021. As you all know that we have covered all the important current affairs or you can say most important current affairs from the examination point of view related to the month of april 2021 right so now today saturday go right what we are doing we are doing the mega menti quiz on the important current affairs that we have covered in 12 to 13 sessions that we had done in the month of april 2021 i hope you all are ready for that menti quiz i hope you all are ready for the mega menti quiz Hi Medha, good evening, evening. Hi Chavi, Ketana Kansha, Komal. Hi Chirag, yes, Lipika, hello everyone. Hi Naman. Hi Chirag. Yes, I think I'm clearly visible. I think I'm clearly visible. Yeah, so if we talk about this today's session, this is related to the, uh, or we can say this is a monthly current affairs session which will revise the important stuff with the help of Mega Menti Quiz. So are you guys ready for this? Are you guys ready for this? Can we start the Menti Quiz? Can we start the Mega Menti Quiz?

Okay, guys, I hope now it's fine, Bita. I hope now it's fine. Yes, there was some kind of lag, right? There was some kind of lag, but I think now it's fine. yeah so as you can see the code on the screen 67213694 right 67213694 this is the code for today's mega menti quiz right hi everyone hi dugangshu ludra hi bacha वट कैन वी डू इफ नॉट एबल टू गिव ऑनलाइन एंट्रेंस टैक्स ड्यू टू टेक्निकल इश्यू बच्चे क्वेरी रेस कर सकते हो बट बच्चा आई डोट थिंक इतने सारे एप्लीके बच्चे इस चीज को एड्रेस किया जाएगा बच्चे आई थिंक दॉ पहले अब इट्स फाइन अब इट्स फाइन फॉर स्टार्टिंग जी के वॉट यू कैन डू इज बच्चे स्टूडेंट ऑफ प्रथम मेनली फोकस ऑन द्लास नोट देंड आउट अपल ऑन दी पी एस आईस अकाउंट राइट नाउ आई थिंक इट्स कंप्लीटली फाइन

One. पे I can see, लिख रहे हैं बच्चे ये एंड लेट स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज में फर्स्ट क्वेश्चन इज सुभाष कुमार टेक्स एडिशनल चार्ज एस सी एम डी ऑफ ओ एन जी सी आफ्टर सक्सीडिंग होम बताइए बच्चे एंड यहाँ पे टाइम खत्म होते हुए एंड टाइम्स ऑफ एंड यहाँ पे देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने दिया है करेक्ट आंसर सो यहाँ पे मैक्सिमम ने दिया है करेक्ट आंसर बट वी कैन आई सी पे कुछ आंसर गलत भी आए हैं तो so बच्चे आपको दो तीन चीजें याद रखनी है पहला हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज दी एम डी ऑफ ओ एनजीसी ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन राइट अगर इसकी हम बात करें तो so बच्चे सिंपल है किसको दिया गया है सुभाष कुमार जो कि अब एडिशनल चार्ज है तो ऑब्वियसली और पोस्ट भी संभाल रहे होंगे राइट सो सुभाष कुमार इज टेकिंगेम दिनल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओ एन जी सी आफ्टर सक्सीडिंग होम शशि शंकर दैट इज द मेन पॉइंट राइट दैट इज दिंग नाउ देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड टॉप आफ्टर दिस क्वेश्चन ओके okay, यहाँ पे आई कैन सी द नेम शिवम द ग्रेट देन इज अ बॉय विद द नेम आई ओके प्लीज यूज योर रियल नेम राइट ओके सो शिवम द ग्रेट इज एट द टॉप बाय गिविंग द फास्टेस्ट आंसर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे सो द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टूडेज मेन्टी क्वेज एज ये रहा स्क्रीन पे

फिफ्टी फर्स्ट इस साल जिनको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनकी बात हो रही है फील्ड ऑफ सिनेमा एंड इट हैजनी दिस इयर दिस वॉज दी फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस अवार्ड राइट ओके ईशानी सिंह हेलो मैम आई है ईशान बच्चे ओपन द ब्राउजर

फास्टेस्ट आंसर दिया आर्यन ने है इस क्वेश्चन का but overall score के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, हैं अपने next question की तरफ। इन questions का आंसर वही बहुत इजीली दे पाएगा जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही आपके लाइव सेशंस ऑफ कंप्लीटली देखे हो दे, राइट अगर नहीं भी देखे अगर आप करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ रहे हो कहीं से क्वेश्चन एयर किया है या आप थोड़ा बहुत भी बच्चे न्यूज से कनेक्टेड हो यू विल बी मेंटी जी सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2020 जो कि एक लिटररी अवॉर्ड है एंड टाइम यहाँ पे खत्म होते हुए टाइम खत्म होने की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं थ्री टू वन टाइम्स अप देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने दिया है करेक्ट आंसर एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर बट काफी बच्चों ने यहाँ पे गलत आंसर भी दिया है गाइस रिवीजन इज द की फॉर योर बच्चे स्ट्राटिकी के एंड करंट अफेयर में हमेशा एक चीज बोलती हूँ जो फिर से बोलना चाहूंगी हिस्ट्री जोग्रफी बड़ी बेवफा रात को पढ़ो सुबह को सफा तो बच्चे करंट अफेयर भी वैसा ही है थ्योरी पार्ट अगर रिविजन नहीं करोगे चीजें सफा हो जाएंगी माइंड से एटलीस्ट रिविजन करनी है तीन बार सो रीड एंड रिवाइज रीड एंड रिवाइज दैट टू थ्राइज दैट इज द मंत्र फॉर योर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर चलिए देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड टॉप क्या राघव अभी भी अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं या कोई और बच्चा होगा जो रिप्लेस कर देगा विल सी एंड एंड फास्टेस्ट आंसर राघव राघव ने ही दिया है स्टिल होल्डिंग दी टॉप पोजीशन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्विज इज व्हिच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स बच्चे आंसर आपके सामने है बहुत क्लियरली सोच समझ के आंसर देना and time होते हुए and time's up. देखते हैं बच्चों ने दिया हैव गिवन द करेक्ट आंसर ओनली ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स गेव रॉन्ग आंसर बट बच्चे ये नंबर तब अच्छा लगेगा जब जीरो होगा इन करेक्ट आंसर का राइट right? चलिए देखते हैं इसी के साथ क्या राघव अभी भी अपनी टॉप पोजीशन संभाले हुए या कोई और है जो रिप्लेस कर देगा चलिए देखते हैं we'll है, सी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैम कौन से मन से करना है करंट अफेयर अप्रैल 2020 मैम आर करेक्ट बट आई डिडंट गेट बोट समथिंग सेकेंड में ध्वनि बच्चे टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप कितना जल्दी आंसर करते हो राइट right? चलिए नाउ फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन विच कंपनी हैज बेकमें द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस बिलियनर बिलियन ट्रांसैक्शन मार्क ऑन यूपीआई बच्चे हमने ये डिटेल में पढ़ा था जस्ट गिव द आंसर एंड टाइम खत्म होते हुए थ्री टू वन टाइम्स अप करेक्ट आंसर अभी भी काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है बट देखने वाली चीज ये होगी कि क्या राघव अभी भी अपनी टॉप पोजिशन संभाले हुए या यश खुशी अंश कोई इनको रिप्लेस करेगा लक्ष्यता देखते हैं बच्चे विल सी एंड फास्टेस्ट आंसर फिर से राघव ने ही दिया है एंड राघव बिल्कुल भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते टॉप पोजीशन चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करते रहिए अः बच्चे यस छवि अप्रिल अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स डीयू जैट के लिए यस मेन फोकस शुड बी ऑन जुलाई 2020 ट्वेंटी में जून के हाईलाइटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो ओनली दाईलाइटेड न्यूज चलिए, दिखाइए स्क्रीन पे, सिलेक्टेड बाय फीफा टू होस्ट फीफा वेमेन्स वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सोच समझ के आंसर देना बच्चे बट येसी बरकरार रखनी है बट टाइमिंग भी देखनी है खत्म होते हुए, टाइम्स अप देखते हैं कितनों ने दिया है करेक्ट आंसर glad, कि पे कौन है, क्या कोई नया नाम आएगा yeah, वही हमेशा टॉप वैसे बीच में काफी क्वेज थे जिसमें कोई और गली बॉय ओके सो पर्सन विद गली बॉय कैन यू टेल मी हु पर्सन किसने अपना नाम रखा है बच्चे बट बच्चे ओवरऑल स्कोर के साथ राघव इज स्टिल एट द टॉप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर टूडेज मेंटी क्विज़ इज जस्टिस एन बी रमना अपॉइंटेड एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चे आपके सामने ऑप्शंस हैं आंसर कीजिएगा ढंग से राइट एंड टाइम खत्म होते हुए टाइम्स अप देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने दिया है करेक्ट आंसर एंड इतनी कंफ्यूजन इतनी गलतियां By God, guys, इतनी 66 students ने गलत आंसर दिया है। That's very bad, right? So he is the 48th Chief Justice of India. He is the 48th Chief Justice of India, right? किसको succeed किया है बच्चे? Chat box में बताइए जरा। Justice NV Ramana ने किसको succeed किया है? Who recommended the name of Justice Ramana as the next Chief Justice of India? इनसे पहले कौन थे बच्चे Chief Justice of India? ये शरद अरविंद बोबड़े वेरी गुड क्या नाम है शरद अरविंद बोबड़े एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टर्म होता है टिल द एज ऑफ सिक्सटी फाइव चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं कि कौन है लीडर बोर्ड पे टॉप पे क्या टॉप टेन में कोई चेंजेस आए हैं इशिता का नाम मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोमल का नाम भी दिख रहा है यहाँ पे बाकी तो वही सेम नेम है राइट एंड फास्टेस्ट आंसर दिया है खुशी रावत ने बट टॉप पोजीशन पे अभी भी कौन है बच्चे राघव कौन है राघव चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर ये रहा आपके स्क्रीन पे हु

क्या राघव अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए या कोई और रिप्लेस करेगा नो no. राघव ने फिर से दिया है फास्टेस्ट आंसर और इसी के पोजीशन एट द टॉप ऑन द लीडर बोर्ड चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ आर या

नाओ बच्चे बोल राइट ना सी दी लीडर बोल राइट ना देखते हैं क्या राघव सेठिया ने अभी भी अपनी पोजिशन संभाली हुई है या कोई और है जो रिप्लेस करेगा ठीक है हांजी बच्चे वही तो है बेटा यानी मैरी कॉमी तो है बेटा ओके हाय सी वाइपर बच्चे इसीलिए रिप्लाई नहीं किया बेटा बिकॉज एवरी वन इज बिजी इन डूइंग मेंटी राइट मेंटी मेंटी क्विज क्विज पे बिजी है है बेटा वो ठीक में बिजी है विशाखा सिंह इज एवरी वन फेसिंग लैग नो बच्चे आई डोंट थिंक कि अब कोई लैग है आई डोंट थिंक कि अब कोई लाग है बीच में वो दस सेकंड के लिए आया था बट नाउ इट्स फाइन एंड वो भी बहुत पहले आया था बच्चे मेंटी क्विज स्टार्ट करने से पहले एंड द क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन

राइट right, सो so कौन है यस फास्टेस्ट आंसर दिया है खुशी रावत ने एंड अभी भी ओवरऑल स्कोर के साथ टॉप पोजिशन पे कौन है राघव सेठिया कौन है राघव सेठिया मैम मेंटेन यूट्यूब में टाइम डिफरेंस है आई नो इन माय एलआर क्लास बट आई नो सो आई एम हियर ओके चलिए बच्चे थोड़ा सा होता है सेवन टू एट सेकेंड्स का बच्चे थोड़ा सा होता है सेवन टू एट सेकेंड्स का ठीक है चलिए ओके बच्चा यहाँ पे अभी भी टॉप पोजीशन पे कौन है राघव चलिए बच्चे बेटा वो होता है देर इज अ गैप राइट आपका कौन से कितना होता है बच्चे टेन सेकेंड्स का गैप होता है डोंट वरी अबाउट दैट चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन मुझे ये बताइए टेन क्वेश्चन हुए हैं एंड दीज टेन क्वेश्चन मैंने राघव सीडिया का नाम कितनी बार लिया है मैंने कितनी बार राघव का नाम लिया है नो प्रॉब्लम शाह कोई दिक्कत नहीं है भव्य बच्चे आप अपना क्वेश्चन भी कर लेंगे अप्रैल का तो भी बच्चे मोर देन हंड्रेड टाइम्स तो नहीं लिया बच्चे जी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ठीक है ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया शुभम ने इतना एक्यूरेट बताया है मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्वेल्व एज ए वो काउंट कर रहा हो टेन टू ट्वेल्व यस ये देखिए दी आई सिंह टू सेवन वन सेवन एट सेवन सिक्स थ्री टू टाइम ऐसा लग रहा है किसी में दिया जैन ऐसा लग रहा है बच्चे किसी मैं कोड है राइट ओके नॉट मिलियन टाइम्स बट टेन क्वेश्चन के बीच में हुआ होगा राइट चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बच्चे एग्जाम इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू देन बच्चे नीड टू फोकस ट्वेंटी नो बच्चे आपको अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन फोकस ऑन द क्विज़ नाउ चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपीरियर कोर्ट फर्स्ट ए आई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल जो कि बच्चे उन्होंने लॉन्च किया है बताइए ओ माय गॉड विनय सिंह सेवन टाइम्स फुल नेम एंड ई टाइम्स हाफ नेम व चलिए एंड टाइम्स सुपेस इज आंसर एस यू पी ए सी ई राइट तो बच्चे पहला रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है सुपेस एस यू पी ए सी ई हां जी बच्चे क्वेश्चन एंड कंपेडियम दोनों अपलोड हो चुके हैं आपके वी डू दीज क्वेश्चन और मंथली क्वेश्चनर अर्चे बच्चे ये तो सिर्फ आपके बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चनर थोड़ी छोड़ सकते तो सिर्फ थर्टी क्वेश्चन है राइट right? ये तो सिर्फ थर्टी क्वेश्चंस हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यस yes, बच्चे कंपेंडियम एंड क्वेश्चन अपलोडेड हाउ मच हैव आई मिस्ड आई ना बच्चे आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो चलिए हां जी बच्चे आपका बच्चे टाइम खत्म हो गया होगा दिव्यांशी टाइम खत्म हो गया होगा बेटा इसके लिए टेन सेकेंड ही थे चलिए देखते हैं टॉप टॉप कौन है पोजीशन पे क्या मिस्टर सेठिया अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे या कोई और रिप्लेस करेगा सो so आई कैन सी राघव सेठिया ने फास्टेस्ट आंसर राघव सेठिया ने फास्टेस्ट आंसर देते हुए अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखे हुए मतलब सिर्फ पहले क्वेश्चन में शिवम द ग्रेट वॉज एट द टॉप उसके बाद से राघव ने किसी को टॉप पोजिशन पे आने ही नहीं दिया चलिए देखते हैं चंद्र नायडू पास अवे रिसेंटली शी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एवर वुमेन डैश क्या बच्चे वर्ल्ड फर्स्ट एवर वुमेन रेफरी एम्पायर विकेट कीपर कमेंटेटर टाइम्स अप एंड पे बच्चे इतने गलत आंसर ओ माई गॉड चलिए जी तो बच्चे आपका जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है शायद उससे ज्यादा बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है राइट सो बच्चे यस अगर हम देखें 51 ने करेक्ट आंसर दिया एंड

So, May, should I watch all the videos of April 2021 and then try to cope up with May or should I read the compendium and snapshot? Uh, Bita, you can start doing your questionnaire part. You can start doing your questionnaire part and attend these current affairs classes. Mainly focus on that, right? Your questionnaire, monthly questionnaire on your PSIS account, right? Daily snapshot, compendium, you can just give it a quick reading, but focus mainly on monthly questionnaire and your current affairs classes. Chaliye. हाँ जी बच्चे ये हर मंथ के एंड में होता है बेटा चलिए मार्च में भी हुआ था बच्चे अप्रैल का भी हुआ है हाँ जी देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर चलिए एंड फास्टेस्ट आंसर एस जी ने दिया है नाउ आई डोंट नो हु इज दिस एस जी बट बच्चे ओवरऑल स्कोर के साथ राघव इज स्टिल एट दी जो बच्चे मानन इज आस्किंग व्हाट इज क्वेश्चन है मेरा बच्चा इफ यू आर अ प्रथम स्टूडेंट देन बच्चे करंट अफेयर्स के लिए आपके पास तीन चीजें होती हैं ऑन डेली स्नैपशॉट जो कि डेली का करंट अफेयर्स बच्चे आपका होता है जिसमें थियरी होती है देन होता है मंथली कंपेंडियम के एंड में वही थियरी कंपाइल होकर अपलोड होती है करेंट अफेयर ऑफ द होल मंथ जो की आपका बच्चे वहां पे अपलोड होता है ऑन द पी एस आई एस अकाउंट चलिए आगे बढ़ते हैं ओके नाउ थर्टींथ क्वेश्चन ऑफ द मेन्टीक्वेज इज साइन हुआ फिफ्टीन कंट्रीज के बीच में टेन एशियन कंट्रीज एंड फाइव देर बचे एफ टी ए पार्टनर्स एंड सबसे पहले उनमें से रेटिफाई करने वाली कंट्री कौन सी है सिंगापुर वेरी गुड वेरी गुड सो बच्चे आरसीपी वॉज 15 नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी बाय फिफ्टीन कंट्रीज टेन एफटीए पार्टनर्स इंडिया ने बच्चे टू थाउजेंड नाइनटीन में ही खुद को अलग कर लिया था आर सी पी से आरसीपी विच इज द रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये बच्चे आप कह सकते हो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है राइट right? आप बोल रहे हो दिस क्वेश्चन वाज नॉट डन बच्चे ये सब हो चुके हैं बच्चा चलिए बच्चे आरसीपी के बारे में बता चुकी है चिराग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है बच्चे इसका मेन एम है दो चीजें पहला बच्चे जो कमोडिटीज होते हैं जो कि बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होती हैं उन पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको रिड्यूस किया जाए एंड जो बच्चे कंट्री टू कंट्री जितने बच्चे आप ये कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं

आगे बढ़ते बच्चे देखते हैं किसने बचे गी थे कि सारी तरह की हट जाए वहां से एंड देर वो इस क्वेश्चन का आंसर भी राघव ने फास्टेस्ट दिया है इसी के साथ राघव इज एट टॉप चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्टीन क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए and the 14th question is who has been appointed as the chief election commissioner of india bache five their fta partners free trade agreement partner countries betanaman. Naman. Uh, bache Jan and feb ki nahi hai march march se humne start kiya tha monthly right Uh, बच्चे पांच साल का नहीं प्रिपेयर करना बच्चे आप एक साल पे फोकस कीजिए पांच साल का करंट अफेयर्स कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करता इफ यू नो करंट अफेयर्स इफ यू नो स्टैटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रीसेंट करंट अफेयर्स यू विल बी एबल टू आंसर दो क्वेश्चन एंड जिनका नहीं आता डोंट वरी मैक्सिमम को नहीं आता होगा राइट वी कांट एक्सपेक्ट एनी वन टू रिमेम्बर द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट फाइव इस राइट एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं फास्टेस्ट किसने दिया है एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी फास्टेस्ट दिया है खुशी ने वेरी गुड खुशी बट ओवरऑल स्कोर के साथ राघव से टॉप एंड बच्चे होने वाला है उसके साथ क्या स्कोर रहता है आपका क्वेश्चन इज इंडिया इम्प्रूव रशियाज अप्रूवियान इट इज द डैश वैक्सीन टू गेट अप्रूवल इन इंडिया थर्ड सेकेंड फिफ्थ फोर्थ बच्चे आंसर कीजिए एंड टाइम्स अप देखते हैं कितनों ने दिया है करेक्ट आंसर ये तो करेक्ट होना चाहिए यस yes. बच्चे ये थर्ड वैक्सीन है पहली दो कौन सी है बच्चे पहली है आपकी कोवैक्सीन विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कोविड नाइनटीन वैक्सीन जिसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहे है बच्चे हां जी बच्चे मेगा मेन्टिक्विज सेकेंड टाइम हो रही है श्योर बच्चे देखते हैं इफ यू दैट इफ यू मी टू डू द जनवरी एंड मेगा विल डू दैट विल प्लान आउट किस डेट को होगा राइट आई भारत बायोटेक इज द आंसर राइट एंड नाउ हैफकिन इंस्टीट्यूट ऑल्सो वेरी गुड आर्यन यस भारत बायोटेक के साथ नाउ गवर्नमेंट ने बच्चे हेफकन इंस्टीट्यूट विच इज इन महाराष्ट्र उसको भी परमिशन प्रोवाइड कर दी है एंड दूसरी है आपकी कोविशीएल जिसको कि मेनली हैंडल कर रहे हैं इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट चलिए एंड बच्चे इसको स्पैटनिक फिफ्थ को कौन करेगा एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ आप बच्चे आंसर देना एंड तब तक मैं देखती हूँ हुज आर द टॉप ऑन द लीडर बोर्ड क्या राघव अभी भी टॉप पे है एंड यस फास्टेस्ट आंसर एसजी एंड राघव सेटी ने दिया है, but, ओवरऑल स्कोर के साथ राघव सेठिया टॉप बच्चे आप स्कोर देख सकते हैं एंड ये भी सोचना अभी हाफ हुआ है जब कंप्लीट मेंटी क्विज होगा तब तक ये पॉइंट्स कितने ऊपर जाएंगे ऑलरेडी राघव के पास है चलिए देखते हैं यस yes, बच्चे डॉक्टर रेड्डी वेरी गुड डॉक्टर रेड्डीज वेरी गुड वेरी गुड बच्चे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which country the archaeologists have recently discovered three thousand years old lo lost golden city बच्चों ये भी हमने किया था सोच समझ के आंसर देना and time खत्म होते हुए times up देखते हैं किस किसने दिया है correct answer oops something went wrong इसका result नहीं आया just a second बच्चा चेक we'll यस check, we'll check. Yes, आ गया फिर से येस बच्चे एन इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर एंड एम ग्लैंड मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर दिया है एन इसी के साथ देखते हैं हु इज एट द टॉप इसी के साथ देखते हैं हु इज एट द टॉप चलिए एंड फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी एडेड हियर एंड फास्टेस्ट आंसर अभी भी राघव ने ही दिया है बच्चे आई थिंक आप सबको एक बार पूछना चाहिए राघव से कि ऐसा क्या करता है वो कि हर क्वेश्चन फास्टेस्ट आंसर कर रहा है एंड टॉप पोजीशन बनाए हुए हैं ऐसा नहीं है कि इसी क्विज में मैक्सिमम क्विजस में राघव का नाम टॉप पे होता है बच्चे राइट Uh, बच्चे ये जो इसके लिए इंफॉर्मेशन है ना बच्चा यू कैन फाइंड आउट अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एग्जाम पैटर्न एंड एनालिसिस ऑन योर पी एस अकाउंट आप जिस भी एग्जाम के बारे में उसके पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो सब वहां पे है यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो बच्चे करेंट अफेयर इन जीए की अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स जीके अगर मैं बात करूं इट्स देयर इन ऑलमोस्ट ऑल दी एग्जाम्स राइट आई एम आईपीमैट बच्चे एंड एनपैड जो नारसी मोनजी का एग्जाम्स को छोड़ के बाकी सब में होता है बट उसके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू राउंड 17th क्वेश्चन हु हैज बीन रोप्ड इन एज दी ब्रांड एंबेसडर ऑफ टेक्नो आन यहां पे देखते हैं क्या आंसर है एंड टाइम्स अप देखते हैं किसने कि, 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 स्टूडेंट्स ने दिया है करेक्ट आंसर यस टॉप एंडसन उज एट द टॉप सो यू खुशी ने दे दिया है गलत आंसर एंड साइड प्लीज के नाम से जो यहां पे है वो टॉप टेन में आते हुए बट बच्चे एंड यहां पे खुशी ने क्योंकि गलत आंसर दे दिया था शायद तो बच्चे वो

देखते हैं कितने स्टूडेंट्स देते हैं करेक्ट आंसर एंड यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया राइट टाइम खत्म हो गया बट मैक्सिमम कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर नहीं दिया एंड मैक्सिमम ने दिया है करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बच्चे मुझे ये बताइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो बच्चे अभी नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसको पहले किसके ऑनर में दिया जाना था नाम पहले इसका क्या नाम डिसाइड हुआ था yes, यस ईशान बच्चे इससे पहले वाले टेक्नो की आप बात कर रहे हो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नरेंद्र येस मोटेरा स्टेडियम तो बच्चे इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स इन मोटेरा राइट गुजरात अहमदाबाद में है यस सरदार वल्लभ भाई पटेल वेरी गुड बच्चे मोटेरा स्टेडियम तो बच्चे उस जगह पे है इसलिए बोला जाता है आज भी आप मोटेरा स्टेडियम बोलोगे तो वो गलत नहीं है एंड बच्चे यू शुड रिमेम्बर दैट नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम और अर्लियर जिसको नाम दिया जाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम विच इज इन अहमदाबाद गुजरात दिस इज दी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम राइट ये जरूर याद रखना नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बट बढ़ उससे पहले लीडर बोर्ड देखना जरूरी है एंड यहाँ पे फ्यू मोर पॉइंट दिया है अंश ने बट अभी गैप बहुत ज्यादा है टोटल स्कोर का सो राघव इज स्टिल ओके राघव इज इन क्लास ट्वेल्थ और ड्रॉपअप बचे राघव इज इन क्लास ट्वेल्थ बेटा हमारे बैच फोर का स्टूडेंट है क्रैश कोर्स बैच फोर का स्टूडेंट है बेटा वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन So, आपके सामने ऑप्शन तो बच्चे दिव्यांशी, बट वॉट टू डू चलिए ये वन फोर्टी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर वन फोर्टी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर बच्चे मुझे ये बताइए विच कंट्री इज एट द टॉप विच बच्चे वनखेड़े स्टेडियम इज इन मुंबई बच्चे नाम से ही पता चल रहा है बेटा नाम से ही पता चल रहा है राइट right? सो so बच्चे टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है नॉर्वे वेरी गुड वेरी गुड क्या है आंसर बच्चे नॉर्वे एंड ये देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ हु इज एट द टॉप ऑन द लीडर बोर्ड विल सी हु इज एट द टॉप ऑन द लीडर बोर्ड क्या अभी भी राघव ही है जो अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं एंड यस yes,

एंड यहाँ पे देखते हैं वेरी गुड मैक्सिमम ने दिया है करेक्ट आंसर वेरी गुड चलिए देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड हुज आर द टॉप ऑफ लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड पे टॉप पे तो राघव ही है बट ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है सो फास्टेस्ट आंसर दिया है विशाखा ने सो आई कैन सी न्यू नेम इन दी टॉप टेन राइट सो बच्चे विशाखा ने दिया है फास्टेस्ट आंसर बट राघव इज स्टिल एट द टॉप

कितने बच्चों ने दिया है करेक्ट आंसर एंड आई एम ग्लैड मैक्सिमम ने दिया है करेक्ट आंसर पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ऑफ HDFC बैंक राइट किसको बनाया गया है अतानु चक्रवर्ती किसको बनाया गया बेटा अतानु चक्रवर्ती राइट चलिए बच्चे मुझे ये बताइए दैट इफ वी टॉक अबाउट HDFCT व्हिच इज दैट्स अ कंपनी बेटा ठीक है इफ यू टॉक अबाउट बच्चे इफ यू टॉक अबाउट बेसिकली एस डी एफ सी वॉट इज द फुलसडीएफसी वॉट इज द फुलसडीएफसी बच्चे आप पूछो फिर से भच्चे, भच्चे, आपका आप बोल सकते हो बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है बेटा ठीक है जो की आपका बेसिकली अनलिसिस राइट डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल इन सब में हेल्प करती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वेरी गुड वेरी गुड चलिए बच्चे आगे देखते हैंट इज द पंचलाइन टैगलाइन और स्लोगन ऑफ एच डी एफ सी बैंक व्हाट इज द पंचलाइन टैगलाइन और स्लोगन जो भी आप बोलना चाहो क्या है बच्चे एच डी एफ सी बैंक की एनी आइडिया हां जी बच्चे वेटिंग फॉर योर आंसर जल्दी से बताइए वेटिंग फॉर योर आंसर हां जी तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड वेरी गुड क्या है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड वेरी गुड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं पहले लीडर बोर्ड पे टॉप पे कौन है एंड यहाँ पे फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी एडेड बजाज ने दिया है फास्टेस्ट आंसर बट ओवरऑल स्कोर के साथ राघव इज स्टिल वो हमारे क्रैश कोर्स का बच्चा है चलिए ना क्वेश्चन ट्वेंटी टू एंड क्वेश्चन ट्वेंटी टू इज वॉट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स तो समझ के आंसर देना काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि रैंक बच्चे किसी ना किसी में तो रही है इंडिया की देखते हैं कौन कंफ्यूज नहीं होता आपकी जो रैंकिंग पूछी गई है दैट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स

So like चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी बच्चे यस yes. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके यस स्टॉप स्वीर वेरी गुड क्या बात है चलिए क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड देखते हैं क्या है हमारा ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा एंड द क्वेश्चन थर्ड ट्वेंटी थर्ड इज रोमाना सिंह सिन्हा सहगल ियन अवार्ड मिला है बच्चे एक बात बताओ किसी पर्सन को नेशनल पंचायत अवार्ड कैसे मिल सकता है ओके चलिए यस नैलसन मंडेला वर्ल्डिटेरियन अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी रुमाना सिन्हा मिला है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये बच्चे नमन करेक्ट आंसर पुत्र नमन क्या बात है उधर आंसर देके यहाँ पे भी टाइप कर रहे हो चलिए या आई थिंक आप बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे में, में अगर ऐसा है तो बच्चे बॉक्स में आंसर तो मत बताओ चलिए नाउ क्वेश्चन ट्वेंटी फोर देखते हैं नेम द्लोजेस्ट ब्लैक होल फ्रॉम दी अर्थ एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल ऑन रिकॉर्ड विच वॉज के बाई देना एंड टाइम्स अप बच्चे टाइम्स अप देखते हैं बच्चा अब यहाँ पे ये मैक्सिमम ने दिया है यूनिकॉर्न बच्चे आप पूछ रहे हो व्हाट इज विजडन अवार्ड फॉर बच्चे दिव्यांशी इट्स फॉर क्रिकेट बच्चे इज फॉर क्रिकेट इट इज गिवेन टू इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट राइट यस क्या है आंसर द यूनिकॉर्न वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज द यूनिकॉर्न नाउ when we talk about this news as i told you that whenever you are covering the important current affairs what you need to do is if you want to revise the static gk facts you can do that also now tell me the name of our galaxy

yes answer is milky way galaxy very good now can you tell me the name of the black hole that is present at the center of our milky way galaxy uh, you are saying ma'am what is pratham for Bita uh, pratham basically is an institute right which prepares students for their undergraduate entrance exam right so we give budget coaching or we do the preparations for the undergraduate entrance exam, right? For all the courses like management, law, hotel management, mass communication, BCA, psychology, liberals, liberal arts, etc. Right? And we also deal with you know foreign education. We also deal with foreign education and all. Chaliye, yes. So if we talk about. दी आंसर ऑफ माई क्वेश्चन कमिंग बैक टू द्वेश्चन था वट इज दी ब्लैक होल्टर ऑफ दी वे गैलेक्सीन सी अब देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राघव सेठिया तो टॉप पोजिशन पे है उसको तो मैं अभी भूल ही जाती हूँ कि वो बताना है मुझे कि टॉप पे कौन है बट फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है अब मेरा मेन फोकस वो होगा बट कैसे भूल सकते हैं राघवी सिंह मैम मेरा नाम कैसे सो राघव इज एट द टॉप बाय गिविंग द फास्टेस्ट आंसर प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वाइज प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वाइज नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ आर मेंटी इज येस तो बच्चे क्वेश्चन है आपका फॉर्मर गवर्नर ऑफ आर बी आई बच्चे जिनको जिनको जो हूं रिसेंटली नो बेटा ऐसा नहीं था येस फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है आंसर फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स वेरी गुड ये बच्चे एम ही है प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम सो सॉरी फॉर दैट या yeah, देखते हैं बच्चे किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड फास्टेस्ट आंसर में टॉप पोजीशन एस जी ने दे दिया है गलत आंसर एंड देखते हैं बच्चे यहाँ पे ओके okay. सो so फास्टेस्ट आंसर दिया है आयुष बजाज ने फास्टेस्ट आंसर दिया है आंश बजाज ने एंड टॉप पोजीशन पे बच्चे वही जो सेकंड क्वेश्चन से अभी तक अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं जो अपना ये ताज मेंटी किंग का ताज किसी को नहीं देना चाहते एंड नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट अकेडमी अवार्ड वी ऑल नो अवार्ड राइट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्कर डायरेक्टर किसको मिला है फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू गेट दिस अवार्ड फर्स्ट वुमेन पर्सन ऑफ कलर टू गेट दिस अवार्ड ये क्लोइ जाओ बचे एंड डायरेक्टर ऑफ विच मूवी डायरेक्टर ऑफ विच फिल्म Uh, बच्चे साइनाइट फर्स्ट यू नीड टू यू नो क्लैरिफाई दैट विद मैनेजर अभी बच्चे इस सिचुएशन में बाहर बिल्कुल ना निकले ठीक है अभी जो आपके पास मटेरियल है उससे फोकस करें लैंड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पहले तो ये देखे की फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है टॉप टू तो वी ऑल नो टॉप पोजिशन पे कौन है एंड फास्टेस्ट आंसर दिया है

सुपर कंप्यूटर बच्चे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रिलेटेड टू तो, स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज आंसर इज एंड यहाँ पे मैक्सिमम ने दिया है करेक्ट आंसर बट काफी बच्चों ने गलत भी दिया है सो यूके इज दी आंसर नाउ क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स द नेम ऑफ दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू वेरी गुड क्या है आंसर फुगाकू क्या है आंसर फुगाकू नहीं बच्चे दिव्यांशी क्वेश्चन देखो क्या है बच्चे मैंने आपको जब ये सेशन में करवाया था लाइव सेशन में तब भी बताया था बच्चे विल बिल्ट लिखा है पहली चीज तो विल बिल्ट मतलब अभी बनेगा बच्चे लेकिन जापान ने तो ऑलरेडी वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विद नेम फुगाकू ऑलरेडी बना दिया है राइट right? एंड बच्चे यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज फॉर कास्टिंग सुपर कंप्यूटर राइट सो बच्चे आंसर इज यू जापान जापान में कौन सा है बच्चे फुगाको विच इज द वर्ल्डेस्ट सुपर कम्प्यूटर राइट क्रिएटेड एंड डेवलप्ड और बिल्ट बायू यस बच्चे यस yes, बच्चे फुजित्सू वेरी गुड वेरी गुड चलिए देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर हु फास्टेस्ट आंसर जल्दी से वो देखते हैं यस बच्चे जापान ऑप्शन में भी नहीं था यस सो मेधा ने दिया है, answer, अभी भी पे है काफी बच्चे हैं जो टॉप टेन में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग राइट एक दो नाम इधर उधर हो रहे हैं बट काफी स्टूडेंट्स हैं जो टॉप टेन में अपनी पोजिशन बनाए हुए हैं विच कंट्री इज द बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सिप्री बच्चे सोच समझ के आंसर देना यस yes, बेटा एंड टाइम खत्म होते हुए टाइम आप देखते हैं कितने बच्चों ने दिया हैोस्ट ऑफ यू है इज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड जिसके बाद आता है चाइना एंड वट इज द रैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज द बिगेस्ट मिलिटरी स्पेंडर इन द वर्ल्ड ड इंडिया इज दर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन दर्ल्ड ओके ना ये तीन जो डिस हैं जिन्होंने भी किया है बच्चा ये भी बता दो मेन्टीक्विज में क्या डिसलाइक करने वाला था या मैम की कमेंट्री नहीं पसंद आई बच्चा अपना फीडबैक भी लिख दिया करो जब डिसलाइक करते हो तो महान लोग चलिए दैट्स फाइन आगे बढ़ते हैं बच्चा राइट नॉट फोर्थ दिव्यांशी बच्चे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बट उससे पहले यस लीडर बोर्ड को कैसे बोल सकते हैं केता सेठी ने दिया है फास्टेस्ट आंसर बट भी टॉप तो पोजीशन पे तो सेठिया जी ही हैं अब बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मेंटी क्विज इज एंड द क्वेश्चन इज हुज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी मैम नेम ऑफ यूके सर्च इज नॉट रिलीज येट बच्चे यूके सर्च रिलेटेड टू व्हाट यस एन आंसर है टीवी सोमनाथन क्या है बच्चे टीवी सोमनाथन राइट सुपर कंप्यूटर की अगर आप बात करें बच्चे द नेम ऑफ द यूके सुपर कंप्यूटर जब बिल्ट हो जाएगा बच्चे उसके बाद उसका नामकरण होगा हाँ बच्चे त्रिपर्णा आप क्या ही कर सकते हैं <laughs> ये लीजिए मेरे बोलते ही वो डिसलाइक्स बढ़ गए बाय गॉड गाइस चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है हम लाइक्स पे ध्यान देंगे एंड बच्चे मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट आपका रिविजन होना राइट तो so बच्चे यहाँ पे हम देखते हैं किसने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड फास्टेस्ट आंसर दिया है खुशी रावत ने वेरी गुड चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर इज़ जो कि हमारा डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा वैसे तो वी ऑल नो बट फिर भी देखते हैं द क्वेश्चन इज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो एंड टाइम खत्म होते हुए टाइम्स अप राइट अगर राघव का लास्ट क्वेश्चन गलत हो जाए तो बच्चे स्कोर का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि पोजीशन नहीं जाएगी बच्चे एंड करेक्ट आंसर इज नीरज बजाज एंड बच्चे फिर टॉक अबाउट द पर्सन जिसको इन्होंने सक्सीड किया है वो कौन है नीरज बजाज ने यस छवि सिंह कंग्रेचुलेशन ब्लॉक बस्टर में थैंक यू सो मच यस राहुल बजाज वेरी गुड कौन है राहुल बजाज एंड बच्चे ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ मेगा मेंटी आई होप यू द बट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का फास्टेस्ट है राइट देंटी किंग कंग्रेचुले किंग राघव सेटिया कंग्रेचुलेक्ट कंग्रेचुलेन एवरी वन आपका काफी अच्छे से रिविजन हुआ यहाँ पे बच्चे आपको वो टाइम मैनेजमेंट वाला जो स्ट्रेस है वो आप हैंडल करना सीख रहे हो यहाँ पे राइट right? सो so, अगर आपने सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं बट टॉप टेन में नहीं हो निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चे यू आर हियर टू प्रिपेयर योर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम राइट चलिए वेरी गुड आई विश आई मिस क्लिक वन क्वेश्चन कोई बात नहीं खुशी कोई दिक्कत नहीं है यू आर स्टिल ऑन द बच्चे ऑन द लीडर बोर्ड यू आर स्टिल एट रैंक नाइन सो बच्चे सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है so yes chaliye bye everyone bye bye take care stay safe But stay healthy and i hope aapne bache enjoy kiya hoga ye mega men quiz right i hope you enjoyed this session if yes do let me know by liking the video right or sharing the video subscribing the channel and don't forget to press the bell icon to get notification of all the upcoming videos right bye everyone bye bye keep revising guys hanji bye everyone